महाशिवरात्रि के अवसर पर आज कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। इन हिंदू संगठनों में विश्व हिंदू सेना के संरक्षक अरुण पाठक को भी पुलिस ने बीती रात से ही घर में नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर विश्व हिंदू सेना अन्य हिंदू संगठन श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पदयात्रा निकालने वाले थे। गौरतलब है कि प्राचीन श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में है, जिसके कारण वहां साल में सिर्फ एक दिन चैत्र नवरात्र में दर्शन की छूट दी जाती है। महाशिवरात्रि व श्रृंगार गौरी के दर्शन की मांग को लेकर हिंदू संगठन हर वर्ष हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरता है। इसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद थी। वहीं इस बार महाशिवरात्रि पर श्रृंगार गौरी के दर्शन की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को महाशिवरात्रि के एक रात पूर्व ही उनको उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ पाए। वहीं विश्व हिंदू सेना के संस्थापक अरुण पाठक का कहना है कि बिना श्रृंगार गौरी के दर्शन के काशी विश्वनाथ का दर्शन असफल होता है। वहीं अरुण पाठक ने कहा कि इन्हें शाहीनबाग वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए, वारिस पठान को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ऐसे तमाम देशद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने की भरसक प्रयास की जाती है, ताकि किसी भी तरीके से जो हिंदू संगठन हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब न हो सकें। अरुण पाठक का कहना है कि हम लोग कभी दंगा नहीं चाहते, कभी बवाल नहीं चाहते, कभी हम लोगों ने देशद्रोह की कोई बात नहीं की, सिर्फ दर्शन करने की मांग की है, और माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के जुर्म में आज मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। पौराणिक मान्यता यह है कि जब तक माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन नहीं करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। 1993 में एक गवर्नमेंट बना, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे के साथ, और उसके बाद से निरंतर श्रृंगार गौरी के दर्शन पे रोक लगाना शुरू किया प्रशासन ने। 95 तक हम लोग चाहे जैसे भी करके दर्शन किए, 95 में मैंने रक्ताभिषेक किया, उसके बाद निरंतर ये लोग शिवरात्रि को, सावन के सोमवारों को हम लोग जब माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। किंतु आज सुबह 4 बजे से इन लोगों ने मुझे हाउस अरेस्ट किया है और बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी है। एक वर्ग को 5 समय का नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, किंतु हम लोगों को दर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, जबकि संविधान ने सभी धर्मों को अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का पूरा आज़ादी दिया है, किंतु एक वर्ग को नमाज की इजाज़त और हम लोगों की गिरफ्तारी समझ से परे है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन का पूरा फल नहीं प्राप्त होता, और यह लोग हम लोगों को माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन नहीं करने देते, उल्टा गिरफ्तार कर लेते हैं।